दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने सीखा है कि परचेज एग्जेम्प्टेड और परचेज जीएसटी की एंट्री हम टैली आरपी 9 में कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो सिंपली जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा है कि आपको सिंपल अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और यहाँ से प्रेस करना है वी, या फिर आप एरर डॉम्स एंगर अकाउंट वाचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा परचेज घंटे बेस आ जाता है जिसका शॉर्टकट है हमारा F9। अब हमें बिल में देखेंगे हमारे क्या बिल आया है और किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह हमारा इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड बिल है, या कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा किस तरह टाइप की परचेज है। तो सिंपल हम बिल में जाएंगे तो हमारे पास एक बिल है जो कि है हमारा SS एंटरप्राइजेस से, और हमारी जो कंपनी है वो हरियाणा से है, और ये जो पार्टी है हमारी जोधपुर राजस्थान की है। अब सिंपल ये तो क्लियर होगा कि ये जो हमारी परचेज है क्योंकि हमने किसी और राज्य से हमने इसको माल खरीदा है, तो ये हमारा या तो परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड हो सकता है और या फिर परचेज IGST हो सकता है। अब हम देखेंगे इस पर टैक्स रेट क्या लगा है। तो इस पर जो टैक्स रेट लगा है वो 0 है। तो दोस्तों जो ऐसी परचेज जो हम किसी अन्य राज्य से खरीदते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता वो हमारी परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड टैक्स कहलाती है। तो सिंपली हम अपने टैली में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डेट। तो यहाँ पे हमारे जो बिल में डेट है वो डेट है हमारी 2/10/2020। तो हम सिंपली डेट चेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 2/10/2020 करेंगे एंटर। दैन हमें डालना अपना बिल नंबर, तो वन वॉइस पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे 2345 हमारा बिल नंबर है, तो 2345 दैन करेंगे हम एंटर। डेट को हमें ऐसे रहने देना और करेंगे हम पार्टी सेलेक्ट। अब देखें हमारे जो यहाँ पे पार्टी है वो डिफरेंट है, SS एंटरप्राइजेज है और हमने कोई पार्टी इस नाम से कोई क्रिएट नहीं किया। तो सिंपली हम पार्टी क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम अपना पार्टी का नाम, तो जो है हमारी SS एंटरप्राइज और करेंगे एंटर। तो दोस्तों जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं उसको एक ग्रुप में डालना होता है और जितने भी हमारी परचेज होगी जिस पार्टी से हम परचेज करेंगे वो हमारे सेंडरी क्राइटेरिया होंगी। तो सिंपली सेंडरी क्राइटेरिया इसको रहने देंगे और करेंगे एंटर, फिर एंटर और एंटर। अब हमें डालना है इसका एड्रेस। तो देखिए जो इसका एड्रेस है वो है हमारा जोधपुर राजस्थान का एड्रेस है, वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और यहाँ पे स्टेट, देखिए स्टेट में जो हमारी क्योंकि ये हमारे दूसरे स्टेट से है, अगर आप गलती से इसको हरियाणा रख दोगे तो ये हमारा सही टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये राजस्थान, तो आर प्रेस करूँगा, जैसे आर प्रेस करोगे यहाँ पे राजस्थान है और एंटर, देन एंटर करेंगे एंटर और एंटर। अब ये हमारे रेगुलर है कंपोजिट, ये रेगुलर फॉर्म है और एंटर। देन हम डालेंगे इसका GST नंबर, GST नंबर में यहाँ से इसका डाल देता हूँ Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V और करेंगे एंटर, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे करेंगे एंटर और एंटर। अब ये हमारी पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जब एंटर एंटर करके हम नीचे आएंगे देखिए SS एंटरप्राइजेस हो गई है। अब हमें देखना कि ये हमारी कौन सी परचेज है। देखिए परचेज एग्जेम्प्टेड जो हमारे सेम स्टेट से करते हैं कोई टैक्स नहीं होता, परचेज GST होते हैं जो हम सेम स्टेट से परचेज करते हैं और जिस पे 5, 12, 18, 28 में से कोई एक टैक्स होता है। अब ये जो हमारी पार्टी है वो हमारी अदर स्टेट यानी राजस्थान की है और इस पे कोई टैक्स नहीं है, तो इस तरह की जो परचेज कहलाती है हमारी परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड कहलाती है। तो इसके लिए हम एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर Alt+C जाएंगे, Alt+C प्रेस करके हम क्रिएट करेंगे परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड और करेंगे एंटर। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे परचेज के जितने भी हमारे लेजर होंगे वो हमारे परचेज ग्रुप में जाएंगे, यानी यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करेंगे परचेज और यहाँ पे यस रहने देना है, इसको करेंगे एंटर और यहाँ पे एंटर एंटर। ये हमारे गुड्स है तो इसको गुड्स करेंगे, देन एंटर एंटर करके इसको करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड का। अब हमें देखने के हमने क्या आइटम लिया है, हमने लिया है थ्रेड AS12। तो इसका हम चेक करेंगे, जैसे मैं टी प्रेस करता हूँ हम यहाँ पे कोई भी क्रिएट नहीं किया, तो हम यहाँ पे सिंपल क्रिएट करेंगे Alt+C से और यहाँ पे
अब ये हमारा कौन सी टैक्स में आता है, तो देखिए ये हमारे आइटम जो है वो 0% की है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिट क्या है। तो ये हमारा जो पीसीज में आया है, ये पीसीज है, इसको हम करेंगे पीसी सेलेक्ट एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल देंगे और इसको करेंगे यस। जैसे इसको यस करते हैं, यहाँ पे इसका एचएसएन चेक करना है हमें क्या है, इसका एचएसएन है 21003, वो करेंगे एंटर। इसको ऑन वैल्यू रहना और इसको रहना हमें एग्जेम्प्टेड, और ये हमारी गुड एंटर एंटर। अब देखिए हमारी क्वांटिटी कितनी आई है, यह हमारी 25 पीस है, 290 इसका प्राइस है, 25 पीस यहाँ पे एंटर करेंगे और 290 1250 रुपये आ गया। अब हमें आइटम ऐड करनी है, तो दूसरी आइटम जो है हमारी लूज फैब्रिक है जो कि केजी में है हमारा, तो इसको हम क्रिएट करेंगे ओल्ड सी से लूज फैब्रिक, देन करेंगे एंटर एंटर। यह हमारा 0% है, तो आइटम 0%, और यह हमारे यूनिट में है, हमारे ये है केजीज में यानी कि किलोग्राम में, देन जाएंगे हम अपने केजीज में और एंटर, इसको हम यस करेंगे एंटर करेंगे। इसका एचएसएन क्या है, इसका एचएसएन है 17006, देन यहाँ पे क्योंकि ये कोई टैक्स नहीं तो एग्जेम्प्टेड, बोल एंटर एंटर। क्वांटिटी देख लेते हैं कितनी है, 32 किलो है और 430 इसका रेट है। अब क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं तो हम एंटर करेंगे और सिंपली इसका यहाँ पे जो टोटल है 21010, यहाँ पे देखिए 21010 इसका टोटल है, सिंपली इसका एंटर करेंगे और एंटर। तो दोस्तों ये था हमारा परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की एंट्री करना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परचेज आईजीएसटी की एंट्री कैसे होती है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।